हेलो एवरीवन, मैं हूँ ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं कैरी की मीठी चटनी। यह मुझे मेरी नेबर आंटी ने सिखाई थी। वो महाराष्ट्रियन है तो उनके उधर इसको गुड़ाम्बा कहते हैं। ये टेस्ट में बहुत ही यम्मी है। सो आप इसको कैरी की मीठी चटनी, लूंजी या आपके साइड जो भी कहते हैं आप कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना इसको। मैंने कैरियों को धोकर के ड्राई होने के लिए रख दिया था। अब हम इसके छिलके निकाल रहे हैं। देन उसके बाद में कैरियों को छोटे छोटे पीसेस में हम कट करेंगे ताकि उसके अंदर जो गुठली है हम उसको अलग कर सकें। तो एक मैंने तवा लिया है, उसमें सौंफ, जीरा और थोड़े से मेथी दाने डाल के उनको अच्छे से हम सेक लेंगे। गैस की फ्लेम को आपको मीडियम रखना है। ये देखिए हमारे मेथी दाने वगैरह सब भून चुके हैं। एंड में मैं थोड़ी सी राई डालूंगी और गैस के फ्लेम को बंद कर दूंगी। ध्यान रहे जब गैस का फ्लेम आप बंद करने वाले हो राई तभी डालें। तो ये हमारे खड़े मसाले हो गए रेडी। अब हमने तेल लिया एक कढ़ाई में, उसमें डालिए हींग। देन उसके बाद सौंफ, जीरा और राई थोड़ी कम क्वांटिटी में डाली है क्योंकि ऑलरेडी हमने इनके खड़े मसाले भून के रखे हुए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी कैरियाँ। और उसको अच्छे से चम्मच की हेल्प से चला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर की जो क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लीजिएगा आप इसमें। देन इसको अगेन अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हल्दी है वो सारी कीरी में अच्छे से लग जाए। ये देखिए हमारी हल्दी सब केरियों में अच्छे से लग चुकी है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम सीजने देंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे हम नमक, लाल मिर्ची पाउडर और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको थोड़ी देर ढकने देंगे जब तक ये हमारे सीज जाए। तब तक जो हमारे खड़े मसाले हैं उनको हम कूट लेते हैं उखली में। और मैंने गुड़ भी ऑलरेडी बारीक करके रख लिया है एक कटोरी। ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे हमारा गुड़। गुड़ आप अपने कैरी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर कैरी यार ज़्यादा खट्टी हो तो आप गुड़ की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, अदरवाइज़ गुड़ कम डालिए। मेरी कैरी थोड़ी खट्टी थी तो मैं गुड़ थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे खड़े मसाले। इनको मैंने उखली की सहायता से अच्छे से बारीक कर लिया है। अब इसको अच्छे से हम चला लेंगे। सो हमारे सारे मसाले अच्छे से हो गए मिक्स। अब हम इसको ढककर थोड़ी देर तक पकने देंगे। ये देखिए हमारा जो गुड़ है वो मेल्ट हो चुका है बट केरियाँ थोड़ी कच्ची है। तो थोड़ी देर तक उसको और अच्छे से पकने देते हैं। तो ये देखिए हमारी चटनी बन के है रेडी। अब हम गैस की फ्लेम को करेंगे बंद और इसको ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए। सो ये रेडी है हमारी केरी की मीठी चटनी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब